वेल, इंडिया में सुपर हीरोज की मूवीज बहुत कम बनती है जिससे सब फैंस सेटिस्फाइड होते हैं। अब जैसे हॉलीवुड की सभी सुपर हीरो मूवीज बहुत अच्छी होती है, और जब हम इंडिया वाले बॉलीवुड से कोई सुपर हीरो मूवीज मांगते हैं तो वो हमें क्या देते हैं, ये। इसी वजह से इंडियन कम्युनिटी ने सुपर हीरो मूवीज मांगना ही बंद कर दिया। लेकिन कुछ दिनों पहले मैंने एक ऐसी मूवी देखी जिसको देख के मैं शॉक हो गया कि इंडिया वाले भी ऐसी मूवीज बना सकते हैं। तो मैं उस मूवी का करूंगा शॉर्ट रिव्यू। तो इस मूवी का नाम है डोगा, मुंबई का रखवाला। तो ये मूवी एक कैरेक्टर पे बेस्ड है जो राज कॉमिक्स में आया करती थी। तो अब कुछ इंडिविजुअल क्रिएटर्स ने इस कैरेक्टर पे एक शॉर्ट फिल्म बनाने का डिसाइड किया, जो 3 साल पहले ही रिलीज होनी चाहिए थी पर किसी अननोन रीजंस की वजह से रिलीज नहीं हो पाई, और उसे अब रिलीज कर दिया गया है। तो मैंने उस मूवी को पूरी तरह ध्यान से देखा और मुझे कुछ ऐसी चीजें समझ में आई जो आपको शॉक कर देगी। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा कि आपको ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है साउंड डिजाइन। इस छोटी सी शॉर्ट फिल्म का साउंड डिजाइनिंग इतना अच्छा था कि मुझे हॉलीवुड के कोई भी मूवीज का कंपैरिजन लग रहा था अच्छे से। आप खुद ही इसके कुछ सीन्स देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका साउंड डिजाइन किस लेवल का है। सेकेंड पॉइंट तो यही बनता है कि इंडिया में बहुत कम मूवीज ऐसी बनती है, तो हमें इस मूवी को देख के उन लोगों को इनकरेज करना चाहिए ताकि वो ऐसी मूवीज आगे भी बनाए। मैं आपको 100% रिकमेंड करूंगा कि ये आपको मूवी जरूर देखनी चाहिए, और उनके कमेंट सेक्शन में जाके आपको कमेंट करना होगा कि ऐसी और मूवीज लाइए ताकि वो इनकरेज हो जाए कि ऐसी और मूवीज बनाए। और थर्ड पॉइंट ये है कि एक शॉर्ट फिल्म होते हुए भी इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छी तरह से एक्टिंग की है, यानी कि उस कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभाया है। उन सब की डायलॉग डिलीवरी भी मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं आपको कुछ सीन्स दिखाता हूँ, आपको देख के पता चल जाएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। तू जानता है तेरे उस नए माल से कितने लोगों की जान जा चुकी है? मैं तो बस धंधा करता हूँ इंस्पेक्टर, बिजनेस। कौन मरता है कौन नहीं वो हिसाब रखना मेरा काम नहीं। सही में तो जैसे हरामजादे की जगह सिर्फ जेल के अंदर है। अब नेक्स्ट पॉइंट होगा CGI के बारे में। मैं जानता हूँ इस मूवी में CGI का उपयोग बहुत कम किया गया है, पर जिस जगह पे भी किया है बहुत अच्छे से किया है। कौन है मैं? पठानवाड़ी में आके पठान भाई से पंगा लेगा तू? ए, तेरा इंस्पेक्टर इसको उड़ा देगा, मैं तेरे को उड़ा देगा, तेरी फैमिली को उड़ा देगा। मैं जानता हूँ हर आदमी की कोई ना कोई कमजोरी। तो ये था इस मूवी का शॉर्ट रिव्यू। मुझे कमेंट में बताइए कि आपको ये मूवी कैसी लगी और मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कौन हो तुम? कानून को तोड़कर कानून की हिफाजत करने वाला डोगा। डोगा? सारी मुंबई का रखवाला। हाँ, मैं हूं डोगा।